आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली एंड वी हैव राइट टू बी स्टैंड करेक्टेड। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले, क्या भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन का प्राइवेट शेयर प्राइवेट सेक्टर में प्राइसिंग डाला है, क्या वो सही है? 1200 रुपए की दवाई दे रहे हैं कोवैक्सीन, लूट मचा रखी है यहां पर इन्होंने अपने पर्सनल गेन के लिए। 1200 रुपए कोई लाजमी बात नहीं है, क्योंकि काफी लोग अब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और प्रॉब्लम यह है कि बड़े लोगों के पास पैसा है तो वो जाकर प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं, पर आप और हम जैसे गरीब लोग, इन लोगों को कुछ मैसेज जाना चाहिए। यही एक प्रयास है इस वीडियो के थ्रू। आप हमें कमेंट में बताइए क्या आपके हिसाब से 1200 रुपए का प्राइस इसका सही है, अगर नहीं तो कितना प्राइस होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर दवाइयों की ज्यादा जरूरत है और इनको इंसानियत के नाते दवाइयों को रेगुलर प्राइस पर कंट्रोल करके भेजना चाहिए। अब इससे दवाइयों की होल्डिंग लगेगी और यहां पर चैलेंज होगा, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होगी इसकी तरह से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सिर्फ जब प्राइस की बात की थी तो 150 रुपए से 250 रुपए के आसपास उनका प्राइस तय हुआ था। तो ये एडवांस बाय कह रहे हैं कि सिर्फ एडवांस बाय होने की वजह से गवर्नमेंट को इतना सस्ता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि ये अगर स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो 600 रुपए की डोज मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपए की डोज देंगे ये कंपनी। यहां पर हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन प्रोड्यूस की है और ये क्लिनिकल ट्रायल के रूप में चल रही थी, अब इसको पूरा फुल फ्लेज कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने बोला है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 1200 रुपए के आसपास जाएगी। अब इससे चैलेंज ये होगा कि यहां पर इस कंपनी की दवाइयों का काफी बड़ा होड़ लगेगी। अब देखिए, फरहान अख्तर ने इनको क्रिटिसाइज किया है इस तरह से, प्राइस फिल्म मेकर जो है, एक्टर फिल्म मेकर, उन्होंने कहा है कि आधार पूर्ण वाला कंपनी फॉर चार्जिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल हायर देन व्हाट इट हैज चार्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेम वैक्सीन। तो अब उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो दिया गया था वो एडवांस बाय के रूप में 150 रुपए की कॉस्ट में दिया गया था, एक्सपोर्ट के लिए देखिए ये 15 पाउंड से 15 के आसपास ये यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं पैसा। तो ऑलमोस्ट जितना प्राइस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतने ही प्राइस पर लोकल में शॉप में प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं। ये कोई अच्छा प्राइसिंग मॉडल नहीं है दोस्तों, इस बात को समझिए। 15 से 20 पाउंड में, 15 से 5 डॉलर के हिसाब से यहां पर 1200 रुपए में ऑलमोस्ट बराबर प्राइस पर बेच रहे हैं, तो इनफैक्ट इनको फायदा हो रहा है क्योंकि इनको एक्सपोर्ट का कॉस्ट बच रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है जो हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अपना कमेंट बनाकर इसको जरूर बताइए। वैसे स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो Q4 इंप्रूवमेंट आने की अच्छी उम्मीद है यहां पर स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में। जैसे जैसे दवाइयों का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये यहां पर अच्छे तरह से स्टॉक में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कोई नीजर रिएक्शन होगा उसको आपको खरीदना चाहिए। चैनल को फॉलो करना हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर आउटलुक बहुत बुलिश है हमारा स्टॉक मार्केट में। अब कैसे इससे, इस खबर से कैसे आप पैसा कमा सकते हैं? देखिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं तो निफ्टी फ्यूचर को आप लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो स्टॉक मार्केट उसको पॉजिटिव तरह से अपने पास रखेगा। तो यहां पर चाहे तो निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, अप्रैल तो अभी एक्सपायर होने वाला है, मई मंथ में आप चाहें तो इसमें लॉन्ग जा सकते हैं फ्यूचर की तरह से। तो एक तरीका यह है। दूसरा तरीका हम यहां पर क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले भारत बायोटेक जो है वो कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग नहीं है, बट उसके सिमिलर जो नाम की कंपनी की बात करें तो भारत BIBCL, इसमें सिर्फ भारत कॉमन है और ये कोवैक्सीन वैक्सीन नहीं बनाती है। ये वैक्सीन तो बनाती है पर वैक्सीन जो बनाती है वो बच्चों की पोलियो की दवाइयों के रेफरेंस में होती है और कंपनी एक पेनी स्टॉक की तरह से काम करती है। अब देखिए, जब से ये कोविड का चल रहा है यहां से 20 रुपए से बढ़कर इसका भाव 80 रुपए तक हो गया है, ये सिर्फ र्यूमर बेस्ड इंफॉर्मेशन है, इस बात को समझिए। तो जब इस तरह का भाव चलता है तो चलता रहता है, उसके बाद 80 रुपए से गिरकर ये 38 रुपए तक आ गया था, अब फिर से इसने अप मूवमेंट शुरू किया है। चैलेंज ये है कि काफी टाइम तक जब गिरना शुरू होता है तो देखेंगे यहां पर कोई वॉल्यूम नहीं है जो बेचना चाहे। अगर किसी ने 80 रुपए में यहां खरीदा है, देखिए दोस्तों काफी लोगों ने खरीदा होगा आपका यहां पर 68 रुपीज पर, उसके बाद खरीदा होगा लोगों ने 70 रुपए के आसपास और काफी लोगों ने यहां पर खरीदा है 80 रुपीज के आसपास। तो जिन लोगों ने 80 रुपए के आसपास यहां पर खरीदा है वो बुरी तरह से इसमें ट्रैप हो चुके हैं और हमारी उम्मीद नहीं है कि भी नियर टर्म में 80 रुपए आएगा। तो इस तरह की कंपनी को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अगर लगाना भी है तो 2% से ज्यादा अपना निवेश मत लगाइए और जैसे ही आपका पैसा बराबर डबल हो जाए तो आप उसको निकाल दीजिए। अगर हम अपनी बात करें, हमने इसका शेयर
हमने अपने चैनल पर बनाया था, 13 रुपए के आसपास हमने खरीदा था और हमारे 39 रुपीज पर हमने सारे पोजिशन अपनी एग्जिट कर दी थी इसमें से। अब देखिए चाहे ये 80 रुपए जाए चाहे ये वापस गिरकर 13 रुपए आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने इसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लिया है जो हमें रखना था। अगर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देखा जाए बुलिंजर बैंड के बेसिस पर, जो पहला टारगेट इसका है 43 रुपए का है, उसके बाद 50 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक यहाँ पर। तो भारत बायोटेक, फिर से क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, भारत बायोटेक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। BIBCL एक काफी मोमेंटम स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, जब चलता है तो ऊपर तक चलता है, जब चलता है नीचे जा सकता है। एक ही चीज कॉमन है, भारत नाम दोनों में कॉमन है। ये वैक्सीन बनाती है बच्चों की, पोलियो दवाइयों की। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने जहां पे खरीदा था वो आपको बता दिया है, टेक्निकल बेसिस पर अभी यहां पर इसको खरीदने की अच्छी लेवल नहीं रहेंगे फंडामेंटल वैल्यू के बेसिस पर। देखिए कोविड की जो दवाई है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा चलेगी, आप इस बात को समझिए। कोई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सुनने में आ रहा है 2,000-2,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं ये दवाई आपको। अगर आप का व्यू देखना चाहें तो आउटलुक व्यू बहुत बुलिश है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, निफ्टी हमारे हिसाब से बहुत जल्द 17,000 का लेवल क्रॉस करेगा। आप बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, ये पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए। और देखिए हम अपना स्कोर कार्ड सिंपल बनाते हैं, इसको हर हफ्ते पब्लिश करेंगे अपने चैनल पर, कि 2.4 लाख का पोर्टफोलियो 3.8 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है महज 1.5 महीने में, 50% का रिटर्न मिला है 1.5 महीने के अंदर। अगर आपको जानना है कैसे करते हैं, फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, मई मंथ में हमने वेबिनार अरेंज की हुई है, 900 रुपए की एडमिन फीस है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।